अरे कौन जेनिफर? कुछ बताओ तो, मैं नहीं जानता। विनय ने बताया। देखो मेरी बात सुनो, मेरा ऑफिस देखो, मेरी ये कार देखो, मेरा क्लास देखो, तुम्हें लगता है मैं वैसे कोई मिडिल क्लास वाले कॉलेज में कभी जाऊंगा? मेरी पूरी एजुकेशन फॉरेन में हुई है, समझे? विनय को वो सच बोलता हुआ लगा, उसे इन मामलों का तजुर्बा था। पता नहीं क्या लफड़ा है, पहले वो बुढ़ा गुआनी और अब तुम। सबको जेनिफर चाहिए, मुझे कैसे पता होगा भला? क्या, कौन? देखो काफी दिनों पहले मेरे पास कोई और भी आया था जेनिफर का पता पूछते हुए, कोई गुआनी था। अब मुझे क्या पता यार? तो पता करो अभी, मेरे पास वक्त नहीं है। हरमन से पता चला कि वो कोई मारियानो ब्रेंडाओ नाम का शख्स था जो अक्सर उसी बार में पाया जाता था। विनय उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। सुनो, मारियानो कहाँ है? वो यहां आया है क्या आज? जवाब में उस लड़के ने इशारे से बता दिया। विनय उसे उठाने लगा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ओ मारियानो, उठ ना, अबे मर गया क्या? अबे उठ, उठ! गुस्से के मारे विनय का हाथ उठ जाता है पर अगले ही पल मारियानो बला की फुर्ती से उसे रोक लेता है। मारियानो ने उसे एक मुक्का जड़ दिया। विनय की हालत खराब हो गई। इस डेढ़ पसली बुढ़ऊ में इतनी ताकत। ए, भाव नहीं खाने का और नहीं देने का, जो भी बोलना अभी तेरे को विद रिस्पेक्ट बोलने का। क्या तुम विनय है? मैं जानता तेरे को, जेनिफर को काहे ढूंढता तू? हाँ, और जवाब में विनय उसे अर्शिया के बारे में सारी बातें बताता चला गया। सब सुनकर मानो मारियानो के कदमों तले जमीन ही खिसक गई। ओह जीसस, क्या बोलता? वो तेरा पिछू आया, बेबी लिलियाना, बट व्हाई? अभी कैसा है वो तेरा फियांसे? हॉस्पिटल में है, नर्वस ब्रेकडाउन। बेबी लिलियाना ने ये सब किया, बट व्हाई? लिलियाना तो उसका असली नाम अर्शिया नहीं, ये है। यस, उसका नेम लिलियाना होने का, बट इतना गलाटा किया वो उधर जाने की धरता उस टाइम। मुझे लगता है शायद लिलियाना घर से भागी थी, जेनिफर उसे ले गई। ओके, चल तू जा अभी, इधर से जा, अपना फियांसे से शादी बना, खुश रह। मैं देखता बेबी लिलियाना को, तो भूल जा उसको। नहीं, बिना सच जाने मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुझ पर हमला किया, दो एक्सीडेंट कराए, वो आखिर है क्या चीज? मुझे लगा था मेरी बेटी है। तेरा डॉटर माथा फरेला है? देख, मैं जानता तेरा और जेनिफर का कॉलेज का कहानी, पर लिलियाना क्या चीज होने का तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। इससे वास्ते बोलता है तेरे को वो सब लफड़ा में नहीं पड़ने का। जा भी। ऐसे कैसे चला जाऊं? मेरी मंगेतर की जान खतरे में है। अगर ये सब मेरे और जेनिफर के अतीत की वजह से हो रहा है तो मुझे पूरी सच्चाई जानने का हक है। ठीक है फिर, सुन अभी, स्टार्टिंग से सुन। मैं चर्च जाता, एवरी संडे जाता, इन मेरे को सफोकेशन फील होता, मेरा स्किन पर इचिंग होता, मेरे को नहीं पता व्हाई, बट होता।
फिर मेरे को एक दिन अलीशा मिला। अलीशा कौन? ब्यूटीफुल। मैं शादी मनाया उससे। वो गॉड को प्रे नहीं करता था, पर मैं लव करता था उसको। मेरे को वो सब दिखता ही किधर था। फिर मेरा डॉटर जेनी भी आया। क्या जेनिफर तुम्हारी बेटी है? तुम जेनिफर के पिता हो? यस। फिर अलीशा सेकंड टाइम प्रेग्नेंट था। मैं बोला मैं सेकंड बेबी अफोर्ड नहीं करना चाहता, तो वो मेरे से बहुत आर्ग्यू किया एंड अपना फादर का पास चला गया। मैं उसका पिच्छू गया। तभीच मेरे को सब पता चला। मैन क्या पता चला? मेरा फादर इन लॉ बताया मेरे को कि वो सब लोग हाफ डीमन है। मेरा मुंडी घूम गया। तो वो बोला, भाव मत खा मारियानो, तू भी वही छाए। अलीशा खाली पीली मेरे से शादी नहीं बनाया। हाफ डीमंस, वो क्या है? डेविल का फॉलोअर्स, जिनका बॉडी में थोड़ा डेमोनिक ब्लड भी होता। हम लोग प्योर ह्यूमन नक्को। हम लोग डेविल को सर्व करता। समारा टाइप और भी लोग एग्जिस्ट करता, अखा कंट्री में करता, बट छिप के रहता। पर ये है क्या? डेविल का चिल्ड्रन अर्थ पर आता और इधर एज ह्यूमंस में अपना फैमिली बढ़ाता। हम लोग वाइट हैं, उसका फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत टाइम से हो रहा था यह सब। डेविल का चाइल्ड अर्थ पर आता रहता है। मैं वॉच करता था उधर एज। फिर आफ्टर समडे वो नाइट आया। बोले तो अलीशा का बेबी शावर सेरेमनी। उसका घर का पिच्छू वाला फॉरेस्ट में। मैं क्या बोले अभी? हॉरिबल। उस नाइट का बाद में मेरा अखा लाइफ चेंज हो गया। मैं फर्स्ट टाइम डेविल कॉल देखा उधर। एक डेमोनिक रिचुअल, बोले तो शैतान की पूजा। बहुत सारा हाफ डीमन एंड अलीशा का फैमिली प्रेजेंट था उधर पे। वो डिफरेंट वॉइस में चिल्ला रहे थे। कोई पेड़ से उल्टा लटकता, तो कोई पैदल ही पेड़ पे चढ़ता। हॉरिबल। फिर वो लोग 5 ह्यूमन बेबीज को लाया उधर पे। 5 इनोसेंट पुअर बेबीज, सैक्रिफाइस का वास्ते। वो बिलीव करता कि ह्यूमन सैक्रिफाइस से अलीशा का सेकंड बेबी भी हाफ डीमन होएगा, लाइक जेनिफर। अपुन का भेजा अब हिल गया था। मैं बहुत ट्राई किया वो हलकट लोगों को रोकने का, पर कुछ नहीं करने को सका मैं। वो रात में फिश का माफिक पीता था। वो बेबीज का चीख मेरे मगज में एको करता था। नेक्स्ट नाइट मैं सबका गुड नाइट बोलने का वेट किया। पूरा का पूरा बस्ती में आग लगा दिया, सबको मार डाला। माय लविंग वाइफ, हर फैमिली सब। क्या
मार डाला सबको। देख तो साला मेरे को, पुलिस मैन को बताता मर्डर किया है, पर ये वर्ड गॉड का है। इधर डेविल और उसका फॉलोअर्स नहीं मांगता मेरे को। पर तुम भी तो वही हो। वन मोर पंच मांगता तेरे को। माय बाय बर्थ है, बाय चॉइस नहीं। माय गॉड को प्रे करता, ब्लडी डेविल को नहीं। मैं किधर पे पैदा होएगा मेरा कंट्रोल नहीं, पर क्या करेगा ये मैं डिसाइड करेगा, समझा तुम। विनय के मन में मारियानो के लिए सम्मान उमड़ पड़ा। वो उसे किसी संत की तरह पवित्र लगने लगा। खैर, बात लिलियाना की हो रही थी। यस बेबी लिलियाना, अलीशा बोलता था जेनी स्पेशल करके है, एंड वो डेविल को स्पेशल सर्व करेगा। दैट टाइम मेरे को नहीं पता था कि वो उसका बेबी अर्थ पर लाएगा। क्या, शैतान का बेबी, वो लड़की? यस बेबी लिलियाना, वही होने का, डेविल का चाइल्ड। अभी बताया तो तेरे को, उसका मदर जेनिफर है एंड फादर डेविल। क्या ये सच था जो अभी इस बूढ़े शराबी ने कहा? शैतान, शैतान की बेटी? विनय जैसा मामूली इंसान क्या शैतान की बेटी से दिया को बचा पाएगा? जानने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।